नाज़रीन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गढ़ महाराजा से। मोहम्मद उमर फारूक की बताई हुई तफसीलात के मुताबिक MPA जंग मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम की तरफ से जंग डिवीजन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना मुआविया आजम, जाफिर गफार कुरेशी, राय अंसर सिद्दीकी, राना काशिफ, डॉक्टर शेर बहादुर नौल, चौधरी शहबाज गुज्जर एडवोकेट, मलिक शफकतुल्ला, वकार अहमद और रियाज अहमद शाहिद और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था, जंग बहुत पुराना ज़िला है, अगर गुजरात डिवीजन बन सकता है तो जंग डिवीजन क्यों नहीं बन सकता। जंग डिवीजन के क्याम के लिए अगर माल रोड पर हमें धरना देना पड़ा तो धरना भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा देरीना और जायज़ मुतालबा है, हुकूमत वक्त को इस पर गौर करना चाहिए। मिंबर पंजाब असम्बली मौलाना मुआविया आजम का कहना था कि हमारी काविश से जंग डिवीजन के क्याम के लिए बाकायदा टास्क कमेटी बनाई गई, जिसके सरबराह राजा बशारत थे। हमसे साबिक वजीर कानून राजा बशारत ने वादा किया था कि जब भी कोई डिवीजन बनेगा तो जंग डिवीजन बनेगा, लेकिन अफसोस के गुजरात डिवीजन बन गया लेकिन जंग डिवीजन ना बन सका। इस सेमिनार में हाजी सरवर जावेद ओड, मोहम्मद उमर फारूक, मौलाना अनस आजम माविया, राना फरहान हैदर, इरफान खान बलोच, मजहर इकबाल जजुआ, फवाद बारी, मुदस्सिर आरिफ जट, कारी शिराज और जंग की दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं।